बेचारा अभी सोच रहा होगा कि गुरुकाल ने हमला तो किया लेकिन मायावी चाबी के बजाय सूर्य की शक्ति वाली तलवार क्यों ले आया। सोचो अभी सोचो, सोचते रहो पर गुरुकाल की चाल का तोड़ नहीं मिलेगा। जय शैतान। मुझे तो लगता है ना इस समुंदर लोक में गुरुकाल कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे। आखिर उसे मेरी मायावी चाबी के बदले मेरी तलवार क्यों ले गया? उसे वही क्यों चाहिए थी? लेकिन बॉस, गुरुकाल को तलवार के सफेद मायावी शक्ति का क्या काम? ओए, तुम लोग सिर्फ गुरुकाल का ही नाम जापोगे तो ये समुंदर का मजा कब उठाओगे? हाँ बॉस, पहली बार अकेले वो भी इतने बड़े जहाज में और आसमान नीचे जादुई समंदर। गुरुकाल, गुरुकाल। विशु, तू जल्दी से अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर और सारी टोकों को तैयार कर दे और मैं तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी परछाई को अलग अलग करके उस हर एक टोपों के पास रख दे और एक एक करके एक साथ सब अटैक कर, ठीक है? आर्यपाल सीधे उसे गिरफ्तार। जल्दी से ना गुरुकाल के जहाज के नीचे हिस्से पर अटैक कर। तलवार तो समुंदर में गिर गई। ये आपके और बच्चों के लिए टिफिन रेडी है, टाइम पर खा लीजिएगा। और हाँ, सर्दियों का मौसम है और महागुरु की गुफा में तो ज्यादा ही ठंड होगी, इसलिए मैंने बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए। और शाम होते ही बच्चों के साथ हम घर लौटेंगे। वैसे बच्चे हैं कहाँ? वो टाइम बहुत कम था ना रुक्मिणी, तो बच्चे मेरा इंतजार बाहर ही कर। ले ये सामान मुझे दीजिए। अरे नहीं रुकू, तुम रहने दो, मैं चला जाता हूं। ये मेरा सामान। अरे नहीं, अरे ये मैं ले जाऊं। दीदी बोलिए ना इनको। अरे नहीं रुकू, अरे नहीं रुकू, रहने दो, मैं जा रहा हूं। आदित्य जी, दादी। ओह रुक्मिणी, तुम चिंता मत करो, ये डुगो को तो मैं साफ करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अरे, अरे ये कौन सी आफत लगा दी मेरे पीछे? काश हमारे पास मछली पकड़ने वाला कांटा होता तो हम उस कांटे की मदद से हमारी तलवार को पानी के अंदर से ले आते।
यही पढ़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है? अब बेकार की कहानियां बनाना बंद कर। अब ये बता, इस तलवार को इस फिशिंग रॉड से कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक चुंबक होना चाहिए था, ताकि हम उस चुंबक को इस रस्सी से बांध देते और फिर उसे पानी में फेंक देते, क्योंकि लोहे की तलवार चुंबक से चिपक जाती तो फिर हम उसे बांध लेते हैं ना। चुंबक, ये रहा। अभी ये देख, चुंबक में मिल गया। आज तो लक हमारे साथ है। आखिर पहले ये मछली पकड़ने वाला काटा, फिर ये चुंबक, मुझे तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है बॉस, चल तलवार ढूंढ अभी। क्योंकि मैं तलवार का इतना तो वजन नहीं है, प्लीज इसे खींचने में मेरी मदद करो। क्या अभी तुझे तलवार नहीं उठी जा रही, किससे काम करी है? अगर मैं ना रहूं ना तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हाँ हाँ मेरी मदद तो करो। तलवार का वजन कम हुआ और फिर समुद्र लोक की गहराइयों से जो सामान आया था वो भी नहीं बाहर निकला। आदित्य, आदित्य बच्चे कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि वो यहाँ नीचे ही है। बदमाश बच्चों! मम्मी हम लोग तो यही थे, हम तो बस आपको डराने के लिए यहाँ पर छुपे थे। ये लो। अरे बच्चों! अरे दीदी बचाओ मुझे! अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? बचाओ दीदी, बच्चों कोई तो बचाओ। अरे माँ, आपने डुगू को कहाँ रॉकेट की तरह उड़ा दिया? आदित्य तुम डुगू की चिंता मत करो, उसे मैं ठीक करती हूँ। अब लोग जाओ ना, देर हो रही है। चलो चलो अब जाइए। ठीक है, चलो जाओ बच्चों, जाओ जाओ जाओ। माँ जी मेरा इकलौता भाई है, प्लीज इसे नीचे ले आइए ना। चिंता मामंद्रम इच्छा पूर्तियम। मौत के पिटारे से ब्लैक मुंबा को आजाद किसने किया? वेलकम ब्लैक मुंबा, वेलकम। आज तक तुम्हारे जैसा खूंखार समुद्री लुटेरा ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। दरिया में दुश्मनों का खून रंगने वाले, मौत को अपनी उंगलियों में नचाने वाले, ना तुम पर काला जादू चला है और ना सफेद जादू। धोखे से सफेद जादूगरों ने तुम्हें मौत के पिटारे में इतने साल कैद करके समुंदर में फेंक दिया।
और गुरुकाल की चाल ने तुम्हें उस पिटारे से आजाद किया। मुझे सिर्फ सफेद जादूगर के शस्त्र से ही आजाद किया जा सकता है। तुम्हारी तो सारी शक्तियां ही काली हैं, फिर तुमने मुझे कैसे आजाद करवाया? रुद्र के रक्षकों से चकमा देकर सूर्य की शक्ति वाली दिव्य तलवार हथिया ली और उसी तलवार से मैंने तुम्हें आजाद करवाया ब्लैक मुंबा। अब अपने मालिक गुरुकाल को पहचानो और करो अपने गुलामी को सलामी। गुरुकाल, मैं हूं समुद्री लुटेरा ब्लैक मुंबा, पीता हूं दुश्मनों के खून का खंबा, कर देता हूं उनको लंबा। ब्लैक मुंबा गुलामी करने नहीं, इस दुनिया को अपना गुलाम बनाने आया है। मुझे कैद करके तुझे क्या मिलेगा? अपने बड़े प्लान को पूरा करने के लिए चाहिए दो जादूगर, एक काला दूजा सफेद। मिल गया काला जादूगर, अ ब्लैक मुंबा। सफेद जादूगर की खोज करेगा जिसकी तलवार से तूने मुझे आजाद किया है। सफेद जादूगर यही कही है, तभी ये कंपास मुझे यहां लेकर आया है। मिल गया ब्लैक मुंबा को शक्तिशाली सफेद जादूगर, अब इसे भी बोतल में उतारना पड़ेगा। ये जो भी है, अगर इसने पापा को नहीं छोड़ा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये ले। ब्लैक मुंबा की सारी शक्तियां जब तक वापस नहीं आ जाती, मैं इन बच्चों से नहीं लड़ सकता। मुझे मेरा सफेद जादूगर मिल गया है, अब यहां से भागने में ही समझदारी है।
ब्लैक मुंबा इतना कमजोर हो गया है कि कंपास के जादू से भी गायब नहीं हो सकता। लगता है ब्लैक मुंबा को पैदल ही भाग के जाना होगा। जल्दी मुझे किसी भी तरह इन बच्चों को चकमा देकर जल्दी से जल्दी अपना मकसद पूरा करना होगा। महागुरु, मैं और बच्चे आपसे मिलने आ रहे थे, इसलिए मुझे कैद कर दिया महागुरु। बच्चों देखा मैंने उसे, इससे पहले मैं कुछ करूं वो तुम्हारे पापा को लेकर जादुई लोग चला गया। जादुई लोग? उस कहानी को अंकल से क्या चाहिए? हाँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आदित्य को बचाने के लिए तुम्हें उसके पीछे जादुई लोग जाना। उबलते हुए टापू के लोग से तुम्हें एक जादुई बोतल लानी होगी, लेकिन हाँ वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो जादुई बोतल, इसलिए उसे गलती से भी छूना मत बेटा। खाता के इस जादुई पिटारे में तुम्हें वो बोतल बिना छुए रखकर लानी होगी। चलो दोस्तों। धरती पर सर्दियाँ चल रही है और यहाँ पर इतनी गर्मी है कि गर्मी के मारे में पसीने छूट रहे। इसका नाम ना उबलता हुआ टापू लोग नहीं, इसका नाम होना चाहिए था कड़ाई लोग, जो सब हमेशा से चलती रहे। सबसे पहले कौन वो बॉटल को उठाता है? चल भाई मिशो। चल कोई भी नहीं उठाएगा। याद है ना महागुरु जी ने क्या कहा था कि हमें उस बॉटल को बिना छुए इस बक्से में डालना है। खैर मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। मतलब मेरी परछाई बॉस। हम भी तो देखते हैं ना कि बॉटल को हाथ लगाने से क्या होता है। ठीक है मैं। रूप की रानी बने मेरी परछाई।